बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी सर। राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। हाउ डू यू नो दिस? आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख क्या। और मान लो मेरी यह वीडियो है, किसी साइकिल ठीक करने वाला दिखाओगे तो उसका तो सिर के ऊपर के जाओगी, एक भी लाइन उसका समझ में नहीं आओगी, तो उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ, टिकटॉक की कोई भी वीडियो दिखाओगा, कोई कॉमेडी दिखाओगा, तो वो उसके अंदर से सारी की सारी लाइन जाएगी। इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है, याद रखना ये, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। और अगर ये कैपेसिटर होता, अगर ये कैपेसिटर होता और इसको हम एसी सोर्स के साथ लगाते हैं, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती। AU, टाओ, हरियाणा में ताऊ भी कहते हैं। धूप अगरबत्ती, तो धूप की जैसे हमने एक वो ले ली होगी एक स्टिक से, उसकी लंबाई देख लो, अब उसको यूँ दबाओ यूँ, और आपने वो लंबी कर दी, तो लंबी कर दी सिर्फ दीवार पतली होगी कि नहीं, ठीक है, याद होगा वो डायलॉग। और अपना जो ना क्वेश्चन बैंक सामने रख के पेपर रख के इनको सोल्व करा करो, इनके नोट्स बनाओ, कि जो 2021 में जो पेपर आएगा वो सारे यही पर्सन आएंगे, और आप अपने जो है 95 प्लस का जो स्कोर है वो उसको अचीव कर पाए हुए। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और अगर ये होता ना बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, तो कौन सा बनता, पी टाइप। ये तो पता ना होता रहे ना होता रहे, लेकिन इसको हम समझने के लिए, क्योंकि हमारी जो फिजिक्स है ना वो इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है, इसको हम कंपेयर करके अच्छी तरह समझ सकते हैं, फील आएगी आपको पूरी। भाई घर में चाय पत्ती और चाय तो हम पतीली में सभी बनाते ही हैं, तो जब चाय बनाते हैं तो उसमें पानी डालना जाए। आपने हमारी यह वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि किसी लगी, कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम हुआ है सन 2014 हरियाणा बोर्ड फिजिक्स पेपर सेट ए सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, ठीक है, दोनों सेमेस्टर का हम सेट ए को सॉल्व करेंगे। एक नंबर के पर्सन में पहला पर्सन आता है कि चार्ज होने बॉडी क्या होगी जब उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, तो चार्ज का जब होता है इसमें क्वांटाइजेशन का फार्मूला लगाएंगे, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और ई जो है वो कॉन्स्टेंट है, इसका मान क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एन की जगह क्या लिखेंगे 5, और इलेक्ट्रॉन का हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹, तो उत्तर आ गया हमारा 8.0 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अब हमने ये देखना है कि ऑप्शन के अंदर ऐसे दो बार लिखा हुआ है प्लस का 8 माइनस का 8, तो आप बताओ प्लस आएगा माइनस आएगा। जब किसी के अंदर, किसी बॉडी के अंदर से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, तो वो बॉडी जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आती है तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे आपने ये पढ़ भी रखा होगा, जैसे सोडियम का कितना होता है 2, 8, 1, और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको इससे निकल लिया जाता है तो क्या बन जाता है यानी पॉजिटिव, तो समझ में आई बात, तो वो बॉडी कैसी चार्ज होगी पॉजिटिव। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते तो बॉडी कैसी होती नेगेटिवली चार्ज। जैसे क्लोरीन से ले लो, क्लोरीन का कितना होता है 2, 8, 7, वो सोडियम वाला एक इस पर आ जाए तो इसको हम क्या लिखते हैं Cl नेगेटिव, समझ में आ गई। जब इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन चला जाए तो पॉजिटिव। कोई भी बॉडी जो चार्ज होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। नेक्स्ट पर्सन, फॉर द कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंसी इज द गिवन बाई, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, जब इनको हम सीरीज में लगाते हैं तो क्या इसका उत्तर होता है। मान लो ये C1 है, ये C2 है, तो सीरीज के अंदर इसका उत्तर होता है CS, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1+C2, ठीक है, ऐसे हम इसको करते हैं। और इसका एलसीएम ले लो, C1C2, ये हो गया C1+C2 और 1/CS, वैसे तो यहाँ C1 से C1 कटता, C2 पहले आता फिर C1 वो आता, तो जमा में आगे पीछे बैठ सके लिख दो कोई दिक्कत को ना, तो लेकिन स्टार क्या है हमने निकालना है CS, ये हो गया हमारा C1C2/C1+C2, ठीक, ये हो गया कैपेसिटर का पर्सन भी होगा। नेक्स्ट, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डाइपोल रखा जाए तो उसका टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, तो ये तो हो गया हमारा डाइपोल और ये होगी फील्ड लाइंस, तो कितना होगा, ये हो गया ई। डाइपोल के अंदर दो चार्ज होते हैं,
एक माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू, बीच की दूरी कितनी होगी 2a, क्यू और 2a की गुणा कर दे तो क्या बनता है p। तो इसका फार्मूला आएगा टॉर्क को हम इस अक्षर से लिखते हैं आधा चय जैसा, टो, इसको बोलते हैं TAU, टो, हरियाणा में ताऊ भी कह देंगे TAU, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। इस पर निशान लगा देंगे हम रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल। तो 3% समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ी जगह बना लूँ 4% समझाने के लिए। तो 4% हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टो बाई एम। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ऐसे इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक कंडक्टर के साथ, एक कंडक्टर में जैसे दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करते रहते हैं तो ये रेंडमली आपस में एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं, तो इनका कोलिजन होता रहता है। क्या होता रहता है? कोलिजन, यानी कि टकराव। तो ये तो पता ना होता रहे ना होता रहे, लेकिन इसको हम समझने के लिए, क्योंकि हमारी जो फिजिक्स है ना वो इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है, इसको हम कंपेयर करके अच्छी तरह समझ सकते हैं, फील आएगी आपको पूरी। भाई घर में चाय पत्ती, और चाय तो हम पतीली में सभी बनाते ही हैं, तो जब चाय बनाते हैं तो उसमें पानी डाला जाएगा, ठीक, उसमें थोड़ी चाय पत्ती के दाने डाले जाएंगे, तो जो चाय पत्ती के दाने हैं ना उनको ये फील करो कि वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब हमारी गैस बंद है तो वो सारे के सारे अपने जो चाय पत्ती के दाने हैं अपनी अपनी जगह बैठे हैं आराम से, ठीक है, अगर कोई टक्कर मारे एक दूसरे के नहीं। लेकिन जैसे ही हम गैस ऑन करेंगे तो आप देखो इसके अंदर पानी बॉयल करना शुरू कर देगा और वो जो चाय पत्ती के दाने थे वो पूरे पतीले में सब गई, सिर मार मार के अपना सारा रस छोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि उनका कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। तो एक बात आपके समझ में आ गई, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका जो टक्कर लगने का जो टाइम है, टक्कर का जो टाइम है वो कम होगा कि नहीं होगा, एक बात बताओ। जल्दी जल्दी टक्कर लगेगी, ठीक, तो बस आ जाओ वापस हो रहे। वो कहता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा। भाई जब एक बात देखो, ये चीज़ कम नहीं होगी, यहाँ पे जो टो है ना, टो, ये टो का मतलब है, यहाँ पे पीछे वाले पर्सन में तो टो का मतलब था टॉर्क, लेकिन यहाँ पे टो का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हम टाइम ही समझ लो रहे, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आपस में जो टकराने का जो समय होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। जब ये कम होगा तो रेजिस्टिविटी बताओ क्या होगी, इंक्रीज। तो इसमें जो इंक्रीज वाला ऑप्शन लिख रखा है उसको हम क्या लगा देंगे, निशान लगा देंगे, ठीक है। पाँचवा प्रश्न कहता है कि व्हेन एल डबल और एरिया अदा कर दिया जाए तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। जब किसी भी वायर का, ये वायर है, ये उसकी लंबाई है और ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। डियर स्टूडेंट्स, वायर कहो, मेटल कहो और कंडक्टर कहो, तार कहो, ये सभी एक ही बात है, ठीक है। जब ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको क्रॉस सेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम नहीं, करंट गुजरता है, ठीक, हम जहाँ से गुजरते हैं वो, जैसे हमारे ये घर का जो दरवाज़ा है उसका वो आयताकार है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये इसकी लंबाई है। तो इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तार वही था, वो कहता है इसकी लंबाई को डबल कर दिया, इसकी लंबाई को डबल कर दिया और एरिया आधा होगा, ये तो होना है, इसी सीधी सी बात है। इन्हों सोचो, ये जैसे हम धूप जलाते हैं ना, धूप अगरबत्ती, तो धूप की जैसे हमने एक वो ले ली होगी एक स्टिक सी, उसकी लंबाई देख लो, अब उसको यूँ दबाओ यूँ और आपने वो लंबी कर दी, तो लंबी कर दी सीधी बात पतली होगी कि नहीं, ठीक है। तो वही सिचुएशन है, इसको हमने लंबाई इसकी डबल कर दी तो ये पतली होनी थी ये वाली, तो L की जगह डबल होगी, ये होगी A बाई टू, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा वो अब हम इसमें करके देखेंगे। तो देख लो कितना होगा भाई, थमूरी लगा लो हिसाब, इस L की जगह दुगना कर दियो, ठीक है, और एरिया की जगह कितना कर दिया आधा, तो बटे दो। और डियर स्टूडेंट, जो तीसरे नंबर पे होती है ना, एक दो तीन, तीसरे नंबर वाली हमेशा ऊपर जाती है, तो ये कितना होगी चार, तो R इज इक्वल टू फोर टाइम्स, यही से कर दिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट
यहाँ से निकालो इस फार्मूले से ही, रो इज इक्वल टू आर ए बटे एल, रेजिस्टेंस की होगी ओम, एरिया की होगी मीटर की दो बटे मीटर, क्या उत्तर आ गया ओम मीटर। ठीक है, ऐसे लिख दिया करो, निशान लगा देना उस पर टिक कर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तीन प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक जिसमें से लाइंस मैक्सिमम पास होती है, और जिसमें से कम होती है उसको क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक वो होती है जिसमें से एक भी लाइन पास नहीं होती है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं, ये देखो कि जैसे यूं इनमें से कोई भी लाइन पास नहीं होती है तो ये मैग्नेट भी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम काई एम नाम के अक्षर से लिखते हैं, और काई एम इज इक्वल टू होती है आई बटे एच। ठीक है, इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोली जाती है। आई क्या है, आई है इसकी इंटेंसिटी कि ये कितनी डिग्री तक, कितनी एक्सटेंट तक ये चुंबक बन सकता है, और एच है जो इसको चुंबक बना रहा है। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं हूँ एच, और मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वो ज्ञान आपके दिमाग में वो लाइन्स गुजर रही हैं, और आपके वे सारी की सारी लाइन गुजर गई, यानी कि सारी की सारी आपको बात समझ में आ गई, तो यू आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। थोड़ी सी कम आई तो हम बोलेंगे पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और मान लो मेरी ये वीडियो है, किसी साइकिल ठीक करने वाला दिखाओगे तो उसका तो सिर के ऊपर के जाओगे, एक भी लाइन उसका समझ में नहीं आओगी, तो उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ, टिकटॉक की कोई भी वीडियो दिखा होगा, कोई कॉमेडी दिखा होगा, तो वो उसके अंदर से सारी की सारी लाइन जाएगी। ठीक है, तो उस समय वो क्या कहलाएगा, जब उसमें से एक भी लाइन उसके दिमाग में से नहीं जाएगी तो उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है। समझ में आ गई, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लाइन एक भी गई ही ना अंदर से। तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल एंड नेगेटिव। ठीक है, कई बार करवा लिए पर्सन। डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर, वही याद करवा रखा फार्मूला, बैन टेन इक्कीस, बैन टेन इक्कीस, बैन टेन इक्कीस का मतलब बी को, कोई गेम है वो, तो बैन टेन मतलब बी, दस इक्कीस, इस ई एन की गोली मार दो, बी के भी गोली मार दो, ये दस इक्कीस याद रखो, चार अक्षर लिख दो एम एल टी ए, दस इक्कीस ये हो गया अपना। बी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल ऑफ द रेडियस आर इज गिवन बाई, ये फार्मूला जो है ये बायोट सेवट लाइक एप्लीकेशन है। बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू पाई आई बटे आर, ये याद रखना है। ठीक है, कि कोई भी सर्कुलर कॉयल, ये देखो ऐसे इसके आई, इसमें से करंट जा रहा है, घूम फिर के आई बाहर निकल जाएगा, और आर इसका रेडियस हो, तो इसके सेंटर के ऊपर बी का मान कितना होगा वो हमने निकाल रखा है, ये याद रखना आपने, म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू पाई आई बाई आर। और अगर यही इसका हम सीधा तार बना दें, अगर इसका सीधा तार बना दिया जाए, तो यहाँ से इस पाई को हटा दिया करो। ठीक है, स्ट्रेट वायर के अंदर क्या करेंगे, पाई हट जाएगी। तो ये हो गया हमारी 9% भाई। 10वां% है द फेज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट इन एन इंडक्टर कनेक्टेड टू एसी सोर्सेज। देखो ये है इंडक्टर, ये एसी सोर्स के साथ लगा दिया, तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट जो वी और आई होती है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फेज डिफरेंस का मतलब साइंस मतलब क्या होता है, एंगल। तो इसके अंदर वी और आई जो है वो 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा, 90 डिग्री। ये इंडक्टर का निशान है, और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है, याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, और अगर ये कैपेसिटर होता, अगर ये कैपेसिटर होता और इसको हम एसी सोर्स के साथ लगाते, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती। समझ में आ गई बात, ये याद रखें, छोटी छोटी बात बता रहा हूँ ज्ञान की। अगर कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो किस रूप में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस रूप में होती है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ठीक है, तो ये आगे समझ में आपके, अगर ये यहाँ पे भी ये होता तो इसमें भी 90 करते, इसमें भी क्या उत्तर आता, 90 आता। और अगर ये रेजिस्टेंस होता, देखो ऐसे ही हूँ, और इसके साथ हम एसी सोर्स लगाते तो उत्तर कितना आता, 0 डिग्री, क्योंकि उसके अंदर वी और आई सेम फेज में होते हैं। तो पावर इन एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय, पावर का फार्मूला पी इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा।
द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन करंट चेंजेस, ये वही फैराडे सेकंड लॉ है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से लिखेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बटे डी टी। ठीक है, ये हमारा था फैराडे, फैराडे लॉ से है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब डियर स्टूडेंट शुरू होता है हमारा सेकंड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर 2014 में जो हमारी 5 से 6 यूनिट होती थी, 5 से 10 वो आती थी सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो अब सारे पर्सन जो है ना आपको पीछे यूनिट के मिलेंगे, अब एक भी जो पहले की 4 यूनिट वो नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं मिलेगा। सीधा देखो आर्सेनिक विद सिलिकॉन के साथ मिलाया जाए तो कौन सा टाइप का सेमी कंडक्टर बनता है, तो भाई आर्सेनिक की तो क्या करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यानी कि 5 नंबर है, 5 नंबर के मतलब इसको इलेक्ट्रॉन जाते हैं एन टाइप। ठीक है, याद होगा वो डायलॉग, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और अगर ये होता ना बैंगन आलू गाजर इन थैला तो कौन सा बनता, पी टाइप, समझ गया। ये तो जो बालक से तो सारा पी गया होगा, चाट जाओ इन कीड़िया की डाल, फ्रॉम विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, हमारी धरती के चारों तरफ जो हवा का लिफाफा है उसको क्या बोलते हैं एटमोसफियर, उसकी डियर स्टूडेंट्स कई लेयर्स हैं, तो जो सबसे ऊपर है ना इसको हम बोलते हैं आयनोस्फियर, और ऊपर से जो सूरज की जो गर्मी आ रही है वो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ऊपर जो गैस है ना वो सारी आयोनाइज होगी। आयोनाइज कब होती है, जब उसके इनके इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक, आयोनाइज होगी, तो ये यहाँ पे आयोनाइज्ड है गैसेस, वो इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है ऊपर, और ऊपर जाके ना किसी सैटेलाइट के साथ वो जाके टकराती है। हमने ये सिस्टम बना रखा है, वो बाद में बताऊँगा विस्तार। टू व्हाट डिस्टेंस द ट्रांसमिशन कैन बी मेड फ्रॉम ए टीवी टावर ऑफ हाइट इतना, ये एक न्यूमेरिकल है, ये 2 नंबर में भी आता है, अपने इस पेपर में 1 नंबर में दे रखा है, जिसने नाम उरी निपटा था आखिर याद, इसका फार्मूला होगा डी इज इक्वल टू 2RH। ये कहाँ से आया, थोड़ी देर बाद पहले सवाल करते हैं, 2 गुणा R, R का मान कितना है 6400, किलो का मतलब 10 की शक्ति 3, हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है कितनी 0.18 किलोमीटर, तो ये होगी भाई 0.18, किलो का मतलब 10 की शक्ति 3, और ये ख़त्म। इसने सारा सॉल्व करो तो आप देखो भाई ये होगी अपनी, इसका इसको हिसाब किताब लगाओ, 100/100 कर दी, ये 18 बना दी, यानी कि नीचे जाकर ये 10 की शक्ति -2 कर दी, समझ में आ गई ना सीन। अब देखो पहले 10 की शक्ति होगी, हिसाब लगा लो, 3 यारी 6 में से 2 गई कितनी बच गई 4, ठीक है, और 2 यारी भाई 4 और 2 6 वापस 6 बन गई, 18 × 36 36 × 64 × 1, ये सम्मान बच गया। 36 किसका वर्गमूल है 6 का, 64 किसका है 8 का, होएगा वर्गमूल तो हो लिया, और 10 की शक्ति 6 का बनाओगे तो क्या बनाएगी 10 की शक्ति 3, तो 6 × 8 = 48, और 10 की शक्ति 3 ने क्या अगर किलोमीटर, ये आ गया। तो ये न्यूमेरिकल है, ऐसे आए तो कर देना। ये मैं बता देता हूँ सीन क्या क्या है, कि जैसे हमारी धरती होगी, ये धरती के ऊपर हमने कोई एंटीना लगा रखे, ये ठीक है, एंटीना की हाइट है एच, और धरती का रेडियस है आर, तो ये सारी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी आर प्लस एच, तो यहाँ से हम जो छोड़ेंगे ना टावर, जैसे कोई टीवी टावर है वहाँ से अपनी फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे, तो वो कवरेज एरिया देखो ये वाला, कि वो कितनी दूर तक पहुँचाएगा, वो उसको हम बोलते कवरेज डिस्टेंस। तो ये डी निकालिए डी स्टूडेंट्स, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अभी पहले का 4th पर्सन है ये देखो, अब तो आपको आसान लगने लगे होंगे, ये जो तीर का निशान से इस से इधर का जोड़ और उससे उधर का जोड़ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे 4 और 2 6, यहाँ पे 6, इसके बाद सीधे मतलब 0 आएगी, 0 ऊपर का 9 और 4 13 है, ऊपर 12 है, ऊपर 1 होगा, तो ये 0N1 किसका होता है, 0N1 क्या होता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर टिक का निशान लगा दियो। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, ये होती है 13.6 eV, फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मिनिमम, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना उसको हम लिखते हैं V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे कम उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम। तो इन चार हम देखो स्टॉपिंग में फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी, रेड कलर जो है इसकी जो है फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है क्योंकि इसका लैम्डा जो है वो 8000 आसपास होगा, ठीक है। तो इसमें क्या निशान लगा देंगे, रेड कलर, रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है। मेरी आवाज़ आ रही होगी ना शायद कान में। उसके बाद है नेक्स्ट है द डी ब्रोगली वेव्स विद द फलाना दिखड़ा दिखड़ा, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है लैम्डा, लैम्डा के लिए आओगे 12.27 एंगस्ट्रम बटे अनरूट वी। ये याद रखना कि डी ब्रोगली ने बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसमें मूव करता है तो वो भी ऐसे चलता है वेव के रूप में, ठीक है। तो इस समय इसका वेव लेंथ क्या होगा, ये लैम्डा उसका फार्मूला होता है ये वाला, ठीक, 12.27 एंगल बटे। तो ये देखो क्या क्या दे रखा है, ये तो सब सरकारी हैं, ये दिया मिलेगा वी का मान, वी का मान दे रखे 10^2 वोल्ट। तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बटे 10^2 एंगस्ट्रम। तो 10^2 देखो हमेशा ऐसा मिलेगा, 10^4 मिलेगी, 10^6 मिलेगी, ये हमेशा ऐसे ही मिलेगी। तो 10^2 ने सोल्व करवा तो ये बन जाएगा 10 ही, तो इसने आगे पीछे कर दो भाई, ये हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू, आगे न जाओगी तो ये उड़ानी आ जाएगी, इनमें से एक पर निशान हम लगा देंगे, ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन इज, हमारी आँख की जो स्पष्ट दूरी कितनी होती है, वो होती 25 सेंटीमीटर। पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। पावर निकालने का फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू 1/f, और अगर यहाँ सेंटीमीटर में दे रखे तो ऊपर क्या करेंगे 100 करेंगे, तो यहाँ पे होगी हमारी 100/40, इसने काटो पीटो के तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाना चाहिए शायद, 2.5 डी। अब देखो 2.5 डी जो ऑप्शन में ना प्लस भी दे रखी माइनस भी, तो अब देखो लेंस कौन सा है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की जो होती है वो हमेशा उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव पर निशान लगा दी। तो ये हमारे 9% हो चुके हैं सेट ए के। तो पहले का 10% रहे हमारा एक एक नंबर का, वह मिराज इज ड्यू टू मिराज, मिराज का मतलब वही मर्ग दर्शना धोखाबाजी, किस वजह से होती है वो, टी आई आर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैलकुलेट लैम्डा इतने दे रखे हो तो ये कैसे निकालोगे बताओ, इसका इसका फार्मूला है जो सुपर हीट फार्मूला है वो है चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल का मतलब सी, दूरी का मतलब लैम्डा, टाइम का मतलब टी, 1/T को क्या बोलते हैं एफ भी, सी बराबर लैम्डा एफ। तो हमने निकालना लैम्डा, तो लैम्डा का फार्मूला हो गया लैम्डा इज इक्वल टू सी बटे एफ, और सी का मान होता है 3×10^8, और एफ दे रखी है 30 MHz, मेगा का मतलब 10^6। सुन जाओ भाई, इसने ये होगी अपनी नीचे होगी 7, 10^7 होगी, ऊपर 8 थी, समझ गया, 30 10 मीटर पर निशान लगा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, मैंने एक डायलॉग याद करवा रखे हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर देना, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्सरे और गामा रेज, गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये तो डियर स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और वेवलेंथ के हिसाब से बताना हो तो उल्टा करने लग जाओ, यहाँ से लिखो यहाँ पे गामा, फिर एक्स रेज, फिर यू एल आई एम आर, ये है वेवलेंथ के हिसाब से। तो इनू देख लो, थमीन मत है कितने पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग ई एम वेव है द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी, देखो एक्सरे, फिर माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो इसको हम कर देंगे अभी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। इसमें देखो एक्सरे का एक नंबर पाया है, एक्सरे इसमें है 2 नंबर लिख दो भाई, ठीक। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव कितने नंबर पाई है इसमें, इसमें माइक्रोवेव आई है 6 नंबर पे। गामा रेज, गामा रेज आई है इसमें 1 नंबर पे, और क्या बचेगा, रेडियो, रेडियो वेव आई है भाई अपने में ये री, मतलब 4 ही तो लिखनी थी, ये तो अपना ऑप्शन वाला पर्सन है एक्स रेज,
ठीक है भाई, ये साठ पाँच देखो। एक्सरे कितने नंबर पे है? दो नंबर पे, ये होगी। माइक्रोवेव कितने नंबर पे है? छः नंबर पे है। गामा रे, गामा रे एक नंबर पे है, और बच गई रेडियो, रेडियो है अपनी सात नंबर पे। तो इन में से नो बताओ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसका है, यानी कि वेवलेंथ जो है वो ऐसे बढ़ता हुआ गया यूं, ठीक है। तो इन में सबसे छोटो कौन सा कुछ है? सबसे छोटो तो भाई गामा कुछ है, गामा दे रखी है, टिक। गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, सीधी बात, उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। लेकिन मान लो गामा नहीं होती तो फिर मैंने कैसे करें, उसके लिए मैंने समझा दिया, ऐसे नंबरिंग डाल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये 2014